मिस कोमल अरोड़ा, तुम्हारे भाई अभिषेक अरोड़ा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? क्या किया था जिसकी वजह से तुमने उसकी जान ले ली? अभिषेक को उसके कर्मों का फल मिला, मेरी जिंदगी तबाह करने की सजा। भैया मैं आपके लिए जूस बना के लाती हूँ, आपको बेटर फील होगा। मेरे भैया का अचानक बीमार होना एक एक्सीडेंट जरूर था, पर उसकी मौत नहीं। उस रात मैंने उसके जूस में नींद की गोलियां मिला दी। मुझे मालूम था कि उन गोलियों की वजह से अभिषेक को उल्टियां होंगी। भैया भैया क्या हुआ? कोमल, वॉमिटिंग हो रही है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। भैया हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं हो पाएगा, एम्बुलेंस बुलवा लो जल्दी। हाँ कोमल बोलो। बाबू उसे उल्टियां हो रही हैं। जितनी गोलियां बोली थी उतनी दी है ना? हाँ, चार गोलियां मिलाई थी जूस में। कौन है ये बाबू? मेरा दोस्त है। कैसा दोस्त? ऐसा दोस्त जो मेरे दर्द को समझता है। बापू और मेरी दोस्ती इंदौर की है, जहाँ से मैं हूँ और वो भी। मैं उसे सब कुछ बताती थी, सब कुछ। उसने मेरी तकलीफ दूर कर दी, अभिषेक से छुटकारा दिला दिया। मैंने इंतजार किया अभिषेक के सो जाने का, बिल्कुल गहरी नींद में। मर गया। और फिर मैंने वही किया जो हमने प्लान किया था। मैंने शोर मचाया, कविता दी को बुला कर लाई, उन्होंने राजेश जी को बुलाया और फिर हम अभिषेक की लाश को लेके हॉस्पिटल गए। अपने सगे भाई से इतनी नफरत? ऐसी भी क्या दुश्मनी थी कि तुमने अपने सगे भाई को जान से मरवा दिया? मैंने कहा था आपसे, सुनने की हिम्मत नहीं होगी आपकी। हिम्मत तुम जुटाओ और ये बताओ कि तुमने अपने सगे भाई का कत्ल क्यों किया? तुम्हारी कंप्यूटर क्लास कैसे चल रहा कोमल? बहुत बढ़िया भैया, इनफैक्ट मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग जावा तो कंप्लीट भी कर लिया। वेरी गुड, इसी तरह मेहनत करती रहो। कोमल, वैसे ऑन अ सेकंड थॉट मुझे लगता है अगर सिर्फ मेहनत करती रहोगी तो बहुत बोर हो जाओगी, थक जाओगी तुम। थोड़ा एंजॉय करना भी जरूरी है। तुम्हारा मन नहीं करता अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाओ, मॉल जाओ, मूवीज देखो? क्यों नहीं करता भैया, इनफैक्ट मैं अपनी क्लासेस की फ्रेंड्स के साथ बहुत बार जाती हूँ। कोमल, एक बहुत अच्छी मूवी इस वक्त मेरे पास भी है, देखोगी? अभी?
आजा कोमल बैठ, ये देख बहुत ही कूल है। भैया ये आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? अरे इसमें स्टोरी भी है, तुझे पसंद आएगी। मेरा खुद का बड़ा भाई मुझे पोर्नोग्राफी दिखा रहा था। कब की बात है? 2 साल पहले शुरू हुआ ये सब। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उसे पता नहीं चलता था कि मुझे कितनी गेन आ रही है। शायद उसे पता था, और उसे उन्हीं सब में कोई गंदा सा मजा भी आ रहा था। मैं जितना हो सकता उससे दूर रहती, पर वो मुझे बार बार समझाने की कोशिश करता कि मैं उसके साथ सोने के लिए राजी हो जाऊं। सिर्फ सोचिए कितनी भद्दी बात, कितनी घिनौनी बात कह रहा था वो मुझसे। कभी वो दिन रात वही बात करता तो कभी उन्हें लगता कि मुझे पॉर्न फिल्में दिखाने से मेरा मन बदल जाएगा, लेकिन मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो और ठीक होता जा रहा था। ऐसी ऐसी हत्ती बातें करता, हरकतें करता, कभी मुझसे मेरे कपड़ों का साइज पूछता, तो कभी इनर्स का। मैं बहुत डिप्रेस रहने लगी थी, खुद से ही शर्म आने लगी थी मुझे। मेरे घर में मुझे इस तरह टॉर्चर किया जा रहा था, और वो भी मेरे अपने सगे भाई के हाथों। तंग आ गई थी मैं, फिर ये बोझ मैंने अपने दोस्त बाबू के साथ हल्का किया। कमाल करती हो यार, इतने महीनों से चलता आ रहा है फालतूपन और तुम झेलती आई हो। बाबू बड़ा भाई है वो मेरा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई क्या होता है उस कुत्ते को क्या मालूम, साला विकृत है, विकृत पागल है। पागल तो वो मुझे कर छोड़ेगा। प्लीज बाबू, प्लीज कुछ करो, मुझसे और बर्दाश्त। एक काम करो, खत्म ही कर दो साले को। ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है? रोज इतने लोगों का मर्डर होता है, उसमें क्या है? वो मेरा सगा भाई है। मैंने कहा ना उसको कभी भाई नहीं बोला, साला भाई के नाम पे धब्बा है धब्बा। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मरना तो उसे है ही। मुझे बाबू की बात सही लगी, और मैंने बाबू और जावेद को पैसे दिए मेरी हेल्प करने के लिए, और फिर हमने अभिषेक को मार डाला। पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या अभिषेक ने कभी आपके साथ जबरदस्ती की थी? आपका इशारा रेप की तरफ है तो नहीं, उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, और उसका नाम खराब होगा पूरी दुनिया में। तो आप अभिषेक के इस अश्लील बर्ताव को लेकर भी चीख चिल्ला सकती थी, अपने घर में किसी से बात कर सकती थी, 2 साल तक ये सब बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं सर, मजबूरी थी। अगर मैं दुनिया को ये बताती कि मेरा सगा भाई मेरे साथ ये सब कर रहा है तो कौन मेरा विश्वास करता? और फिर अभिषेक का अच्छा नाम था, वो कहता कि मैं उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हूं या पागल हूं। कुछ भी करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी सर। पर कत्ल करने की हिम्मत आ गई? मैंने कहा ना सर, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मिस कोमल अरोड़ा, किसी की जान लेना या कत्ल कर देना कोई चारा या उपाय नहीं होता। अगर किसी की जान लेने से ही अन्याय मिटता ना तो अब तक ये सारी दुनिया मिट गई होती। बाबू और जावेद कहाँ हैं? इंदौर, अब वही के हैं। कितने पैसे दिए तुमने उन्हें? 1 लाख की बात हुई थी, 50,000 दे चुकी हूँ,
बाकी के 50 दे दे। तुम अभी बाबू को फोन करो और उसे कहो कि उसके बाकी के पैसे तैयार हैं। वो जल्द से जल्द जावेद को लेकर पुणे आए और अपने पैसे लेकर जाए। और कोमल ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा? सर, कोमल का एक दोस्त है बाबू, टैक्सी ड्राइवर है, हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। वो कल पुणे आ रहा है अपने बाकी के पैसे लेने। हमने कोमल से फोन करवा कर उसे यहाँ बुलवाया। इस बाबू की पूरी ग्रिलिंग करो और देखो उसकी और कोमल के स्टेटमेंट्स मैच करते हैं कि नहीं। यस सर, दैट्स द प्लान। कोमल की दो दो बहनें हैं, अजीब सी बात है। उसने अपनी प्रॉब्लम के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया? नो सर, इनफैक्ट मैंने जब ये बात कोमल की बड़ी बहन दलजीत को बताई, वो खुद इस बात को सुनकर बहुत हैरान हुई। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ये बात। मेरा भाई अभिषेक ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन दलजीत जी, आपकी बहन कोमल ने खुद इस बात को कबूल किया है कि इसी वजह से उसने बाबू की मदद से कत्ल किया। बाबू? वो टैक्सी ड्राइवर, उसका दोस्त? जी जी। ये सच नहीं हो सकता। उसने मेरे और रजविंदर के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, ना किसी और लड़की के साथ। इंस्पेक्टर, हम उसकी नस नस से वाकिफ थे। देखिए दलजीत जी, हम आपके भाई अभिषेक पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि आपकी बहन कोमल ने खुद यह बयान दिया है कि अभिषेक उसे इस तरह परेशान करता था। पता नहीं ये कोमल अभिषेक को इस तरह जलील करने पे क्यों तुली हुई है। सर, हमारे भाई ने हमारे माँ बाप की बड़ी अच्छे से देखभाल की। हम तीनों बहनों के लिए माँ बाप जैसा सहारा बना रहा। आप इतना समझ लीजिए, कोमल ये सब सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रही है, बाकी ये सब बातें झूठ है, बकवास है। झूठ और सच फिलहाल इस केस में काफी धुंधले हैं दलजीत जी, जल्द ही धुंध हटेगी और सच्चाई उभरेगी। घरों की चार दीवारियों में कभी कभार ऐसा ऐसा होता है जो बाहर शायद किसी अजनबी के साथ भी नहीं होता। सर, कोमल ने अपने भाई अभिषेक अरोड़ा पर जो आरोप लगाया है वो बहुत ही संगीन और शॉकिंग है, और सबूत कोई नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह इस केस में कुछ हाथ लगे तो कुछ होगा, फिलहाल तो ब्लैंक स्लेट, कोरा कागज। इस टैक्सी ड्राइवर बाबू के इंटरोगेशन के बाद ये कोरा कागज भरना शुरू हो जाएगा। अब ये केस एक कत्ल का ही केस नहीं, इसमें एक जिंदा लड़की और मरे हुए आदमी दोनों के इज्जत दांव पे है। एक बहन ने भाई पर इल्जाम लगाया था कि भाई उसका यौन शोषण करने का प्रयास कर रहा था। इस इल्जाम का पुष्टिकरण संभव नहीं था क्योंकि भाई को बहन ने मौत के घाट उतार दिया था। मौजूदा माहौल में कोमल का बयान सबूतों के खंभों पर नहीं खड़ा था और इसलिए कानूनी दृष्टिकोण हल्का था। अब को एक्यूज्ड बाबू का बयान बहुत ज्यादा मायने रखता था। बाबू, 50,000 लेने आया है। आप लोग कौन है? कोमल ने भेजा है हमें, चलो हमारे साथ। अरे एक मिनट, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? अरे देखिए, मुझे पहले कोमल से बात करनी है। और मुझे तुझसे बात करनी है, डालो अंदर से। अरे किधर, कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग मुझे? बाबू, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? नदीम शेख साहब। देखो नदीम, तुम्हारी दोस्त कोमल कोयल की तरह सब कुछ पहले ही गा चुकी है, इसलिए अब कोई मतलब नहीं बनता कि हम पहले तुम्हारी खाल उधेड़े और उसका तबला बनाए बिना मिर्च मसाला लगाए। फटाफट ये बताओ कि तुमने अभिषेक अरोड़ा को क्यों मारा? बाबू, अगर तुमने 5 मिनट में सब कुछ नहीं बताया तो ना तो तुम्हारे बदन पे खाल बचेगी और ना ही तुम्हारे जहन में कोई चाल बचेगी। साहब, कोमल का भाई अभिषेक बहुत ही गंदा आदमी था साहब, मतलब अपनी सगी बहन के साथ वो उसे गंदा करना चाहता था साहब, कितनी शर्म की बात है। लेकिन इतनी शर्म की बात जो कोमल अपनी बहन को नहीं बता पाई, उसने तुम्हें क्यों बताई, एक टैक्सी ड्राइवर को? साहब, टैक्सी चलाना मेरा पेशा है, लेकिन मेरी लोगों से बनती है साहब, पटती है। तो तुमने कोमल को पटाया? ऐसा नहीं है साहब, वो कोमल की बड़ी बहन दलजीत, वो अक्सर मुझे काम के लिए बुलाया करती थी साहब, कभी किसी पार्टी को घुमाना हो, इधर उधर जाना वगैरह वगैरह। इस तरह मेरी कोमल से बातचीत शुरू हुई और फिर दोस्ती। कोमल ने तुम्हें कब बताया कि उसका बड़ा भाई उसके साथ इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहा है? कोमल 2-3 महीने में एक बार इंदौर आया करती थी, पहले बहुत खुश रहती थी लेकिन बाद में बहुत दुखी रहने लगी। मैंने कई बार उसे पूछने की कोशिश करी लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं। फिर 2 महीने पहले एक रात उसका मुझे फ़ोन आया और रो रो कर उसने अपनी सारी बातें बता दी साहब मुझे। पागल तो वो मुझे कर छोड़ेगा, प्लीज़ बाबू
प्लीज कुछ करो। और तुम लोगों ने फोन पर ही अभिषेक अरोड़ा के कत्ल का प्लान बनाया? नहीं साहब, प्लान नहीं बनाया, बल्कि मैंने ही कोमल को समझाया कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती उसकी है। तू डर मत, मार डाल उसको। उसने मुझसे मदद मांगी और दोस्ती खाते में मैंने काम कर दिया साहब। दोस्ती खाते में या तुम्हारे बैंक के खाते में 1,00,000 आएगा इसलिए? नहीं साहब, वो जावेद को देने थे और फिर इधर उधर जाने का खर्चा वगैरह वगैरह साहब। मारा कैसे अभिषेक अरोड़ा को? साहब उस रात कोमल का मुझे फोन आया, वो बोली आ जाओ भाई बीमार है, और मैंने उसे बेहोश भी कर दिया है। वो उसे पहले हॉस्पिटल भी लेके गई थी साहब। तुम पुणे कब आए थे? साहब कत्ल करने के 1 दिन पहले साहब। तो तुम अपने दोस्त जावेद के साथ कोमल के फ्लैट पर गए, वहां तुम लोगों ने अभिषेक अरोड़ा का गला घोंट दिया? जी साहब। फिर हम दोनों वहां से निकल गए साहब, लेकिन जाने से पहले पक्का कर लिया था कि वो मर चुका है। फ्लैट में दाखिल कितने बजे हुए थे? लगभग रात के 3 बजे। बिल्कुल गहरी नींद में। तो अभिषेक अरोड़ा का कत्ल करने के तुरंत बाद तुम लोग वहां से निकल गए? जी साहब, मैं और जावेद वहां से तुरंत निकल गए साहब। और तुम और जावेद पहले से उनका इंतजार कर रहे थे? उस रात कोमल का मुझे फोन आया और वो बोली कि वो लोग हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं, तो हम कॉलोनी की दीवार फान के वहां इंतजार करने लगे साहब। कोमल का दोबारा फोन आया, वो बोली आ जाओ, हम ऊपर गए और काम किया और उसी रास्ते वापस आ गए साहब। उसके बाद कहाँ गए? साहब लॉज में ठहरे 1 दिन के लिए, आराम किया और फिर अगले दिन इंदौर के लिए रवाना हो गए साहब। और उसके बाद कोमल से कोई बात नहीं हुई? हुई थी साहब, कोमल ने फोन करके बोला कि बाकी के 50,000 वो बाद में देगी। उसके बाद हम इंदौर के लिए निकल गए साहब। तुम्हारा साथी जावेद मिर्जा कहाँ है? वो इंदौर में है साहब। इंदौर में कहाँ? भगवान कसम मैं नहीं जानती, ये कोमल इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रही है अभिषेक पर? और सबसे हैरत की बात तो ये है, मानो इस सब में इतना सा भी सच है तो हम दोनों बहनें मर गई थी क्या? हमें भनक तक नहीं लगने दी, जबकि कितनी बार यहाँ आके गई है। कोमल का कहना है कि उसे लग रहा था कि आप उसकी बात पर यकीन नहीं करें, इसलिए उसने ये बात आपको ना बताकर अपने उस दोस्त बाबू उर्फ नदीम शेख को बताई, फिर उन लोगों ने मिलकर आपके भाई का कत्ल कर दिया। वैसे कोमल पिछले 2 साल में इंदौर कितनी बार आई? आते जाते रहती थी, पर आपका ये पूछने का मतलब क्या है सर? सर मारिए मारिए बस, मैं तो पैसों के लिए गया था बाबू के साथ, बाबू ने और पैसों का वादा किया था। तुम्हारा ये दोस्त बाबू, इसकी अभिषेक अरोड़ा के साथ क्या दुश्मनी थी? मैं तो इस बंदे का नाम तक नहीं जानता साहब। बाबू ने मुझे बोला आजा अच्छे पैसे मिलेंगे, एक आदमी को जान से मारना है, और मैं चला गया साहब बस, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम साहब। कोमल अरोड़ा को जानते हो? सब बाबू जानता है साहब। अब तुम जो जानते हो वो हमें बताओ, उस रात क्या क्या हुआ? साहब जैसा मैंने आपको बताया, मैं तो बाबू के साथ गया था, फिर हम उस घर में दाखिल हुए और उस बंदे को जान से मार दी बस साहब, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। जावेद मिर्जा, जितनी कहानी तुम हमें सुना रहे हो उतनी कहानी हम पहले से जानते, तो हमें ये बताओ कि तुम लोग कितने बजे निकले, कहाँ गए, कैसे गए, कत्ल कैसे किया और कौन कौन शामिल था उसमें, बोलो। इस केस में तो बड़े बड़े सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा, इन दोनों को नजरअंदाज करने की सीरियस चूक हो चुकी थी। अब पुलिस छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही थी, हर स्टेटमेंट, हर सुराग, हर सबूत की बाल की खाल निकाली जा रही थी, और इस सब का उद्देश्य था एक वॉटरटाइट केस पेश करना। लेकिन इस कहानी में इसी बीच एक और नया ट्विस्ट आया, जिसने हवा का रुख उल्टी दिशा में बदल दिया। हम उस घर से सुबह निकले साहब। सुबह मतलब? सुबह मतलब 7-8 बजे करीब।
तुम और बाबू कोमल के घर में दाखिल कब हुए थे? उसकी एक रात पहले बाबू के पास कोमल का फोन आया और हम चल दिए। हाँ कोमल बोलो। बाबू उसे उल्टियां हो रही हैं। जितनी गोलियां बोली थी उतनी दी है ना? हाँ, चार गोलियां मिलाई थी जूस में। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, चल जावे थे, टाइम आ गया। अभिषेक अरोड़ा का कत्ल करने के बाद तुम तीनों ने क्या क्या किया? साहब फिर हम उसके कमरे से बाहर आ गए। जावे तू थक गया होगा, एक काम कर थोड़ी देर सोफे पे सुस्ता ले, हम कुछ देर में निकलेंगे, ठीक है? तो तुम लोग कत्ल के तुरंत बाद वहां से नहीं निकले? नहीं साहब, मैं थोड़ा देर सोया वहां पर, फिर उसके बाद निकले हम। और बाबू और कोमल दोनों एक साथ थे कोमल के कमरे में? जी साहब। मिस कोमल अरोड़ा, हमारी ये जो लेडी कांस्टेबल है आजकल बड़ी उदास रहती हैं। इन्हें किसी को पीटने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारे इस इंटरोगेशन रूम में जो भी आता है वो बिना कुछ छुपाए पहली दफा में ही सारा सच बाहर उगल देता है। कहा ना मैंने, अभिषेक मुझे टॉर्चर करता था और इसलिए हताश होकर मैंने जावेद और बाबू के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी में ट्विस्ट है। और ट्विस्ट यह है कि तुम पुणे से इंदौर सिर्फ अपनी बहन से मिलने नहीं जाती थी, तुम पुणे से इंदौर जाती थी इस बाबू से मिलने। और यह बाबू भी स्पेशली इंदौर से पुणे तुम्हें यहां मिलने आता था। हाँ साहब, यहां आते जाते रहते, मैं इन्हें पहचानता हूं। कत्ल की रात, कत्ल के बाद तुमने और बाबू ने तुम्हारे कमरे में रात गुजारी एक साथ। और सच ये है मिस कोमल अरोड़ा कि बाबू सिर्फ तुम्हारा दिल हल्का करने वाला दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दिल धड़काने वाला दोस्त है। इज योर बॉयफ्रेंड। शुरुआत बेशक दोस्ती से हुई, लेकिन बाद में इस पुणे इंदौर के दोस्ती वाले हाईवे पर रोमांस की गाड़ियां बड़ी तेजी से दौड़ने लगी। तेरी एक एक हड्डी तोड़ रहा हूं। झूठ बोलता हमसे? मैं मान तो मैंने झूठ बोला साहब, लेकिन मैं सब सच बताता हूं साहब, मारे नहीं साहब। तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड बाबू ने बड़ी ही सफाई और चतुराई से बिल्कुल एक से बयान दिए, लेकिन वो कहते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम्हारे इस तीसरे साथी जावेद ने तुम्हारा सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया, पर हमारा काम आसान कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरा दोस्त हो या बॉयफ्रेंड, बात तो एक ही है, वो अभिषेक जैसे दरिंदे से छुटकारा पाने में मेरी मदद कर रहा था। मिस कोमल अरोड़ा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब हम अभिषेक से कुछ नहीं पूछ सकते, क्योंकि तुमने उसका गला दबाकर उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पर अभिषेक हमसे बोला। क्या? तुम्हारे अपने बड़े भाई अभिषेक अरोड़ा ने हमें बताया जावेद की जुबान से। उसी ने हमें बताया कि कैसे एक बार तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाबू रंगे हाथों पकड़े गए थे।
बाबू नाम है उसका। कहाँ से है? वो इंदौर की दोस्ती है हमारी। है कौन है बाबू और किस तरह की दोस्ती है तुम्हारी उससे? एक तो दूसरे धर्म का लड़का, ऊपर से ड्राइवर, क्या बकवास कर रही हो तुम कोमल? उसका धर्म और काम मेरे लिए मायने नहीं रखता भैया, मैं उससे प्यार करती हूँ। फिजिकल रिलेशन रखने को प्यार नहीं कहते, समझी? जो हुआ सो हुआ, मैं इसे तुम्हारी एक छोटी सी भूल समझ के भुला दूंगा, लेकिन आइंदा अगर तुमने उस लड़के का नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रिमेम्बर दैट। मैं उससे शादी करूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकते और ना आप मुझे धमका सकते हैं। तुमने सिर्फ इसलिए अपने बड़े भाई को मार डाला क्योंकि वो तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड बाबू उर्फ नदीम शेख के रिश्ते के खिलाफ था? वो मेरी फीलिंग समझ नहीं पा रहा था। मैं बाबू से सच्चा प्यार करती हूँ। तुम्हारा सच्चा प्यार झूठ, घटिया इल्जाम और सोचे समझे कत्ल की नींव पर खड़ा है। अगर पकड़ी गई तो क्या बोलना है, इसकी तैयारी भी तुमने पूरे सटीक तरीके से कर रखी थी। साहब भेड़ बकरियों की तरह मारता था मेरी कोमल को साहब वो, और तुमने भेड़ बकरियों की तरह उसका कत्ल कर दिया, गला दबाकर उसकी जान ले ली। प्यार करता हूं मैं कोमल से, जान भी दे सकता हूं साहब उसके लिए। कोमल तुझे ऐसा देखता हूं ना तो खून खौलने लगता है मेरा, कसम से कह रहा हूं। कसम तो उसने खाई है, मेरी अर्थी उठाएगा लेकिन तुम्हारे घर के लिए मेरी डोली नहीं उठने देगा। इन अर्थी, इन डोली, इन सबसे कहीं दूर भाग चलते हैं। तुम्हारे भाई, उनकी पहुंच, उसकी नजर सबसे दूर। नहीं बाबू, हमारी लाइफ की शुरुआत तब तक नहीं हो सकती जब तक एक जहरीली लाइफ खत्म ना हो। क्या कहना चाह रही हूँ कोमल? वही बोल रही हूँ जो सही है। मैं दिल और दिमाग दोनों की बात कर रही हूँ बाबू। हम भैया को मार डालते हैं, उसके बाद उनके दोनों फ्लैट्स, उनकी गाड़ी, सब कुछ सिर्फ मेरा हो जाएगा, सिर्फ मेरा। और फिर वो हमारा ही तो होगा ना कोमल? लेकिन पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल की सजा हो जाएगी। बाबू इस वक्त जिंदगी कोई जेल से कम है क्या? सुनो, ये सब एक एक्सीडेंट लग सकता है। कैसे? देखो भैया को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तबीयत खराब हो सकती है और फिर डेथ भी हो सकती है। वो सब तो ठीक है कोमल, लेकिन कभी पकड़े गए तो? पकड़े गए तो क्या कोमल? बाबू मैं बोलूंगी कि मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। वो आदमी हैवान था, वो अपनी छोटी बहन की इज्जत पे हाथ डालना चाहता था, अपनी ही छोटी बहन को अपनी वैश्यत का शिकार बनाना चाहता था। लेकिन पकड़े तो फिर भी जाएंगे कोमल। लेकिन दुनिया, अदालत, सबका दिल पसीज जाएगा जब मैं अपनी दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी। सजा तो फिर भी होगी ना? पर काफी कम होगी, हम जल्दी बाहर आ जाएंगे और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। कोमल तुम्हारे बॉयफ्रेंड बाबू ने तो सारा जिम्मा तुम्हारे ऊपर डाल दिया। उसका कहना है कि जो भी किया कोमल ने किया, वो तो महज एक प्यादा था, उसने वही किया जो तुमने उसे करने के लिए कहा। झूठ बोल रहा है वो, हम दोनों इसमें बराबर के हिस्सेदार थे। इनफैक्ट केस क्लोज हो जाने के बाद भी पूरी प्लानिंग चल रही थी कि कब सब कुछ कैसे होगा। उसने तो ये भी कहा है कि तुम्हारे बड़े भाई अभिषेक का तुम्हारे साथ ही अश्लील बर्ताव वाला एंगल भी झूठ है, एक ऐसा झूठ जो सिर्फ तुमने बुना है। हाँ वो झूठ है, पर ये झूठ भी हम दोनों ने साथ में ही बनाया। तो मतलब तुम्हारे बड़े भाई अभिषेक अरोड़ा ऐसे नहीं थे, तुमने उन पर ये झूठे और घटिया इल्जाम लगाए थे, तुमने अपने बचाव के लिए उनका नाम उछाला। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मर चुका है ना, तो उसे नाम से क्या लेना? और हम जिंदा लोगों की जो जिंदगियां उछल रही थी उसका क्या? तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारा लव अफेयर रोकना चाहा, इसके लिए ना तुमने सिर्फ उसका कत्ल किया बल्कि उसकी इज्जत को भी चूर चूर करना चाहा। जब मैं उसकी जिंदगी में दखल नहीं दे रही थी तो मेरी जिंदगी में दखल देने का हक उसे किसने दिया? तो तुम्हें यह हक किसने दिया था कि तुमने उसकी जान ली, उसका नाम उछालने का हक, बदनाम करने का हक, उसकी इज्जत को चूर चूर करने का हक? ये हक किसी को नहीं होते, ये संगीन जुर्म होते हैं और आप कानून भी हक से अपना फर्ज निभाएगा। ये एक निर्मम हत्या है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। एक बहन ने एक भाई का सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसे उस बहन के अफेयर से आपत्ति थी। आरोपियों ने कई कोशिशें की हैं,
ये साबित करने की कि पीड़ित अभिषेक अरोड़ा अपनी छोटी बहन कोमल अरोड़ा का मानसिक रूप से यौन शोषण कर रहा था। पर आरोपियों की दलीलों को साबित करने वाले कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुए हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर यह अदालत आरोपी कोमल अरोड़ा, आरोपी नदीम शेख उर्फ बाबू और आरोपी जावेद अली को अभिषेक अरोड़ा की हत्या में दोषी पाती है और तीनों को आईपीसी सेक्शन 302 फॉर मर्डर, आईपीसी 34 फॉर कॉमन इंटेंशन और आईपीसी 120B फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद जब केस कोर्ट में पेश किया गया तब तीनों आरोपियों कोमल, बाबू और जावेद ने अपने दोषी ना होने की दलील की। मुकदमा चला और एक साल की सुनवाई के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केस के दौरान तीनों आरोपी उस बड़े झूठ पर अड़े रहे कि अभिषेक ने कोमल का मानसिक तौर पर यौन शोषण किया था, लेकिन सहानुभूति की दाल गली नहीं। होने को अभिषेक पर लगाए गए आरोप से काफी बड़ा बवाल खड़ा हो सकता था और अगर उसमें हल्की सी भी सच्चाई की झलक होती तो शायद कोमल को सहानुभूति मिलती और शायद कोर्ट का फैसला भी थोड़ा अलग होता। लेकिन पुलिस ने आरोपी जावेद मिर्जा, बाबू और कोमल के बयानों में कई असमानताएं पाई जिसकी वजह से कत्ल का असली हेतु उभर कर सामने आया। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की गहरी लापरवाही की वजह से एक मर्डर केस को एक्सीडेंटल केस करार दिया गया और इस केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन जब ये केस दोबारा खुला तब एक बहन ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए सच्चाइयों को टेढ़ा किया और एक निर्दोष कत्ल हुए भाई पर विकृति का झूठा आरोप लगाया। वहीं इसी केस में पीड़ित की दूसरी बहन ने इसमें साजिश और लालच की बू को सूंघ लिया और उसके एक ईमेल ने इस केस को अपने सर के बल उलट दिया। किताब का आखिरी पन्ना पलटने तक और फिल्म की आखिरी रील खत्म होने तक कोई कहानी खत्म नहीं होती। कोई भी कानूनी फैसला जोश और सनसनी के आधार पर नहीं किया जा सकता। सच के हर कतरे को टटोलने के बाद, हर पक्ष के तर्क को सुनने के बाद अदालतें अपने फैसलों पर पहुंचती हैं। भावनाओं के दबाव में आकर फैसलों पर नहीं आधमका जाता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।